टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए बैडमिंटन, बॉक्सिंग, डेक्स थ्रो और हॉकी से हाथ आई आशा, तो वहीं आर्चरी में मिली निराशा। नमस्कार, मैं मोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। जैसा कि आप सबको पता है कि टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में पहले दिन मीराबाई चानू की जीत से पूरा भारत देश जगमगा उठा। मैं आपको बता दूं कि लवलीना बोरगोहेन का सेमीफाइनल में पहुंचना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये पदक के थोड़ा करीब भी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की स्टार शटलर कही जाने वाली पीवी सिंधु भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। वहीं तीसरी तरफ डेस्क थ्रो में कमलप्रीत फाइनल में पहुंच चुकी हैं और उनसे अब पदक की आशाएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं बात अगर आर्चरी की जाए तो अतनुदास से भारत को एक बड़ी निराशा हाथ आई है। मैं आपको बता दूं कि दीपिका कल शनिवार के मुकाबले में ही हार गई थी, तो वहां से भी एक बड़ी निराशा भारत देश के हाथ आई थी। वहीं हम आपको दूसरी तरफ बता दें कि अमित पंघाल से बॉक्सिंग में भी भारत के हाथ निराशा ही आई है, लेकिन हॉकी की टीम से बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान को हराया 5-3 से, तो वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और वो आगे की तरफ अपने पैर पसार चुकी है। अब देखना रोमांचक होगा कि आखिरकार हॉकी में आगे क्या कुछ होगा।